जैसे कि मैंने आपको खाना रेस्टोरेंट दिखाया था, तो अभी हम चल रहे हैं किचन की तरफ। वैसे नो एंट्री है, देख सकते हैं आप, नो एंट्री है, बट फिर भी हम चल रहे हैं, आपको किचन दिखाते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये पूरा किचन है इनका। और थोड़ा काला होता है कि किचन, आपको पता है क्योंकि रेस्टोरेंट टाइप है, तो ऊपर से आपको काला मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकिंग वगैरह चल रही है, इस साइड आप देख सकते हैं। देसी स्टाइल में आलू मटर की सब्जी बन रही है, एक बार देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम करो उसको, देख सकते हैं आप। खुशबू वैसे बहुत भयंकर आ रही है, अभी ऑर्डर करेंगे। बाकी अभी दो ऑर्डर रेडी है, देख सकते हैं आप, यहाँ के जो ओनर है वही सर्व करने जा रहे हैं, देख सकते हैं। दो पिज्जा, बहुत चीज पिज्जा है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ओके, तो ये किचन मैंने आपको दिखाया, बाकी अभी बाहर चलते हैं और अभी एक कुछ ऑर्डर करते हैं, हम भी देखते हैं जैसे ये टेस्ट आ रहा है ना, वैसा मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का। तो गाइज, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी चलते हैं ऑर्डर करते हैं। तो अभी टेबल पे सीटिंग हुई है और मेन्यू चेक करते हैं। और मैंने जैसे यहाँ पे पहले विजिट कर चुका हूँ, तो यहाँ का जो पहले का फूड मैंने खाया ना, उसमें सबसे बेस्ट जो लगा ना, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। ओके गाइज, ड्रिंक्स है तंदूर। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने पहले विजिट किया है, जो यहाँ का बेस्ट मेरे को टेस्ट लगा था वो है पनीर नान और स्टफ्ड नान पराठा। मतलब जो यहाँ पे पराठा है ये भी, पनीर नान पराठा, तो ये बेस्ट है यहाँ का, मैंने खुद ने पहले खाया है। तो फिर से ऑर्डर करते हैं, सेम टेस्ट है या नहीं है वो चेक करते हैं। ओके, उसके अलावा वेजिटेबल में दही ऑर्डर कर लेते हैं। वेजिटेबल तो चलो अलग हो, सब्जी होती है, सॉरी, वेजिटेबल की जगह दही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अपने नान टेस्ट करना है ना कि सब्जी टेस्ट करनी है। ओके, तो नान ऑर्डर करते हैं और दही ऑर्डर करते हैं। ओके, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या टेस्ट है। ओके, मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ बैठे हुए, क्योंकि वहाँ पे कपल्स बैठे हुए थे, आपका भाई सिंगल है। इसलिए मन नहीं कर बैठने का, तो मैं मेकिंग देखने आया था। मेकिंग देख सकते हैं, यहाँ पे पनीर स्टफ नान है, इसलिए पनीर की कटिंग हो रही है और भर भर के पनीर आप देख सकते हैं। पनीर है, पता नहीं चलेगा क्योंकि टेस्ट ऐसा आएगा अलग लेवल का, इसलिए पनीर की अभी घिसाई हो रही है। यहाँ पे भट्टी चल रही है, मतलब भट्टी अभी चालू है, अभी देखते हैं इसका क्या रहता है। अभी तंदूर चालू है, सॉरी, भट्टी मेरे, हमारे लैंग्वेज में भट्टी बोलते हैं, इसलिए मैंने भट्टी बोल दिया। तंदूर चालू है, पनीर की घिसाई चालू है और पराठा भी बनेगा, स्पेशल पनीर मेरे लिए हो रहा है, बोले आपके लिए और स्पेशल बना है, स्पेशल ऑर्डर रेडी हो रहा है स्पेशल पर्सन के हिसाब से। ओके, तो अभी स्टार्ट रेडी होगा, फिर बताते हैं आपको। लेवल का मिक्सचर बन रहा है अभी, जब ये मैदे की उसमें रोटी में जाएगा, पराठा टाइप बनेगा, तब अलग लेवल का टेस्ट आएगा। जब आपके टेबल पे आएगा तो आपके मुंह में पानी अपने आप आ जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मान के टेबल पे आएगा तो पानी अपने आप मुंह में आएगा। तो देखते हैं मेकिंग चालू है। उनसे पूछते हैं कि इनकी मेकिंग्स वगैरह में और उसके अलावा टाइमिंग में कितना, मतलब गैप होता है, कितनी देर में ये ऑर्डर सर्व कर देते हैं। तो सर बताइए, क्या
ये बता रहे हैं आपको सर, कितनी देर में आप ऑर्डर सर्व कर नॉर्मली ऑर्डर के 15 मिनट के अंदर हम लोग ये आपको टेबल पे दे देंगे। मतलब 15 मिनट के अंदर आपका जो जब आप ऑर्डर करते हैं अपनी टेबल से, तो आपको 15 मिनट के अंदर आपकी टेबल के ऊपर आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो कभी भी आप रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं तो ये मत सोचना कि आधा घंटा एक घंटा वेट करना पड़ेगा, ओनली 15 to 20 मिनट्स में आपका ऑर्डर टेबल के ऊपर और आपके पेट की भूख खत्म। ओके गाइस, अभी हमारा नाम निकलने वाला है तो अभी देखते हैं अपन। अभी दो सिकर हैं, एक इन्होंने निकाल दिया है, दो सिकर हैं एक इन्होंने निकाल दिया। इधर देखें आप तो कितना शानदार लग रहा है, वैसे देखो कितना लंबा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट देखो, मतलब सॉरी लेंथ देखो, लंबाई मैथ में कमजोर हूँ इसलिए हाइट बोल दिया, लंबाई देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर घी वगैरह बटर वगैरह लगेगा, फिर क्या टेस्ट लगेगा अभी देखते हैं। दो की मेकिंग हो रही है तो जैसे एक बार ये हो जाता है उसके बाद वो निकालते हैं। ओके तो गाइज ये हमारा निकल रहा है देख सकते हैं आप, तो ये एक और आ चुका है और अभी तीसरा और बन रहा है। ओके तो अभी बाहर चलते हैं क्योंकि मेरे से सफर नहीं हो रहा, हमारा ऑर्डर रेडी है। 10 मिनट भी नहीं हुई, मैं 15 मिनट की बात कर रहा था, 10 मिनट में ऑर्डर रेडी और अभी टेबल पे मिलेगा हमको विद अचार, विद दही एंड विद सॉरी वो तो है ही मेन स्टफ्ड पनीर पराठा। चलते हैं, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सर्व हो चुका है। तो दही अचार हमने बोला था आपको, उसके अलावा जो हमारे स्टफ्ड नान था पनीर वाला वो आ चुका है और ये हमारे स्टफ्ड नान का टेस्ट करते हैं बताते हैं। ओके तो गाइस दही डल लिया है, अचार आ चुका है, पहले एक बार अचार के साथ खाते हैं। एक ही नंबर टेस्ट है, अब दही के साथ भी लेता हूँ क्योंकि अचार के साथ थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आया। गजब बेइज्जती है। तो गाइस यहाँ का जो रेस्टोरेंट है, टाइमिंग है, फूड डिलीवरी की टाइमिंग है, ऑर्डरिंग की ऑर्डर से और डिलीवरी थिंग की टाइमिंग है, 10 से 15 मिनट की है, मैंने आपको बताया था। सारी चीज़ बेस्ट है, लोकेशन बेस्ट है और सबसे मैं बताऊँ तो आपको सबसे पहला रेस्टोरेंट है कोटपुतली का, मतलब जो फेमस हुआ था बेस्ट है जी, और टेस्ट में भी बेस्ट है। ओके तो यहाँ की लोकेशन वगैरह सब बेस्ट है और अगर आप मेरी तरफ से यहाँ पे आते हैं व्लॉग देख के, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 5 to 10% का ऑफ मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा। ओके जैसे आपने 1000 रुपये का ऑर्डर किया है यहाँ पे तो आपको 900 रुपये पे करने हैं, या आपने 500 का ऑर्डर किया तो आप 10% माइनस करके 450 आपको पे करने हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10% आपको पे करना है। ओके सो ये लोकेशन बेस्ट लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।